कंडीशन जो है वो सिर्फ एक बहाना था। वो ही खुदा है। ऑटो ड्राइव, आज मैं आपको उसका रिव्यू देता हूँ, तो हाईली रिकमेंडेड, आप लोग यहाँ पे जरूर आए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। भाई ईद जो है वो बड़ी तेज़ी से हमारी तरफ आ रही है और अब सिर्फ 2 दिन या 3 दिन कह लें कि रह गए हैं। तो अल्लाह ताला करे कि ये ईद हमारे लिए ढेरों ढेर खुशियाँ लेके आए, सबके लिए, आमीन सुम्मा आमीन। आपको पता है मैंने लास्ट वीडियो में जो है वो एक ईदी गिव अवे लकी ड्रॉ जो है वो उसका मैंने कहा था कि मैं करूँगा, लेकिन मैंने एक कंडीशन रखी थी कि उसमें 150 कमेंट्स जब आप लोगों के आएंगे तो वो लकी ड्रॉ कर लूँगा। भाई मैं कैसे उसको कंडीशन रख सकता हूँ, ये मुमकिन नहीं है। कंडीशन जो है वो सिर्फ एक बहाना था, वो आप लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ाने का बहाना था। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है उसके साथ मेरा रबता हो, कनेक्शन हो। आप लोग जब मेरी वीडियोस देखते हैं तो उसमें आप मुझे गुड या बैड जो है वो कमेंट्स दे सकते हैं, आपको इजाज़त है, आप मुझे फीडबैक दें, मुझे बताएं कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं बुरा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट। आपको जैसे पता है मैंने तकरीबन 2 महीने पहले ये चैनल स्टार्ट किया है। यूट्यूब फैमिली जो है वो तो इतनी बढ़ गई है, लेकिन उसमें से जो एक्टिव मेम्बर्स हैं वो अभी कम हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे फीडबैक दें, मुझे बताएं, मैं कनाडा में रहता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं, मेरे से क्वेश्चन करें, मैं उसके आंसर करूँगा, जो भी मुनासिब हुआ मैं ज़रूर करूँगा। और मेरा आपसे ये वादा है कि आपके कमेंट्स जितने भी हैं वो मैं पढ़ता हूँ, प्रॉमिस। और आपने अभी तक देखा है कि जितने कमेंट्स हैं मैं सबका जवाब देता हूँ, मेरी कोशिश होती है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है वो मेरे साथ कंटिन्यूस रबते में हैं, वो मुझे फीडबैक देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जो नहीं करते हैं मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी कमेंट किया करें, आप भी मेरी फैमिली में एक्टिव मेंबर हों, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। तो खैर जनाब, जो ईदी गिव अवे लकी ड्रॉ है वो ज़रूर होगा। अच्छा आप ऐसा करते हैं कि आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वो आपने जो है वो उसका आंसर करना है, और मैं जो है वो फिर जो नाम जो आंसर करेंगे जो शामिल होना चाहते हैं, जो पाकिस्तानी मेरे सब्सक्राइबर हैं, फैमिली मेम्बर हैं, वो सिर्फ जो है वो उसका मैं सिर्फ उनको शामिल करूंगा लकी ड्रॉ में। बाकी लोग सब प्लीज़ आपसे भी रिक्वेस्ट है कि कमेंट किया करें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हों जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, लेकिन ये जो लकी ड्रॉ है वो मैं सिर्फ पाकिस्तानी अपने सब्सक्राइबर फैमिली मेंबर्स को शामिल करना चाहता हूं। तो क्वेश्चन क्या है कि जो मैंने इससे पहले 10K और 20K सब्सक्राइबर्स जो हैं वो उस पर मैंने गिव अवे किया था, आप लोगों को सिर्फ उसका आंसर ये देना है कि पहले लकी ड्रॉ में टोटल कितने नाम थे और उसके दूसरे लकी ड्रॉ में टोटल कितने नाम थे। तो आपने अपना नाम, अपने सिटी का नाम, और उसके साथ जो है वो आपने ये आंसर जो मैंने क्वेश्चन पूछा है कि पहले लकी ड्रॉ में कितने नाम थे, दूसरे लकी ड्रॉ में कितने नाम थे, बस आपने ये लिख के तो वो कमेंट कर देना है अपने दूसरे कमेंट के बाद। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यही लिखते जाएं और अपना जो भी आप कहना चाहते हैं, जो मैंने आपको रिक्वेस्ट की है कि आप मुझे फीडबैक दिया करें, तो फीडबैक देने के बाद एंड में जो है वो ये आंसर लिख सकते हैं, अपना नाम और सिटी का नाम और जो आंसर है। बाकी मुझे ये यकीन है कि आप लोगों की ईद की तैयारियां तकरीबन हो गई होंगी और ईद पे आप जो है वो भरपूर इंजॉय करने वाले हैं, और मेरी दुआ भी यही है कि अल्लाह करे कि आप भरपूर इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जहाँ जहाँ भी आप रह रहे हैं आप खुश रहें और ईद जो है वो ढेर 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 खुशियाँ आपके लिए लेके आए, आमीन सुम्मा आमीन। चंद बहुत ही खूबसूरत अशआर जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वो ही खुदा निजाम हस्ती चला रहा है, वो ही
खुदा है, दिखाई भी ना दे जो नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई ऋतुओं में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। नजर भी रखे वो जान लेता है नियतें भी, जो खाना लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा 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 है। जज़ाकुमुल्लाह। प्लान ये बनाया कि अभी हम जा रहे हैं मिसिसागा में स्क्वायर वन मॉल, आपको भी साथ लेके चलेंगे, बड़ा खूबसूरत मॉल है वो भी दिखाएंगे, लेकिन उस पर जाने से पहले मैं ज़रा बासम को एक छोटी सी गेम हरा लूँ। मौसम बहुत प्यारा है, लवली वेदर, इतनी ज़बरदस्त जो है वो धूप निकली हुई है, तो बासम की अब खैर नहीं है, आप देखिएगा। अच्छा, आज मैं आप लोगों को एक फीचर जो टेस्ला में है जिसे कहते हैं सेल्फ ड्राइव, ऑटो ड्राइव, आज मैं आपको उसका रिव्यू देता हूं कि वो कैसे वर्क करता है। आपने सुना तो बहुत होगा, शायद नहीं देखा तो मैं आज आपको बताता हूं कि क्या होता क्या है। बेसिकली ये फीचर जो है वो उन्होंने टेस्ला में दिया है, जो हम यूज़ कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत हो। और उसका तरीकाकार ये है कि यहाँ पर एक स्टिक है, इसमें पहले अपना एड्रेस डालते हैं डेस्टिनेशन का, और स्टिक को जब हम डाउनवर्ड्स मूव करते हैं ऐसे, तो अब यहाँ पे ये ऑटो ड्राइव जो है वो स्टार्ट हो गया।
अब उससे ये होगा कि ये अब मुझे मेरे एड्रेस पे पहुंचा देगा, लेकिन अब इस वक्त जो है वो गाड़ियां चूंकि मेरे राइट और लेफ्ट पे हैं, अब ये क्या होगा कि मुझे सिर्फ इस पे हल्का सा टच रखना है। अब ये स्टीयरिंग खुद मूव होगा, इसका स्पीड जो है वो खुद कंट्रोल करेगा, सिर्फ मैंने फिंगर इसको टच किया हुआ है, थोड़ा सा प्रेशर दिया हुआ है, तो एड्रेस पे मुझे ये खुद पहुंचाएगा, खुद ही ये डिटेक्ट करेगा कोई गाड़ी खड़ी है सामने, सेंसर्स जो हैं वो सारा खुद डिटेक्ट करेंगे, इवन सिग्नल देंगे, टर्न करेंगे। तो ये फीचर बड़ा अच्छा है। अभी ये खुद टर्न कर रहा है, ये देखें, ये गाड़ियां खड़ी हैं, उसने अपना डिस्टेंस जो है वो खुद मेंटेन करना है। देखिए वो ये उसने खुद मेंटेन किया है, दो गाड़ियों के दरमियान उसने रास्ता बनाया, अब सिग्नल खुद दे रहा है। अब ये स्टॉप साइन है, उसको इतना पता है कि यहाँ पे ये स्टॉप साइन है जहाँ पे मैंने रुकना है, और उसने खुद गाड़ियां जो है वो देखी हैं, कोई गाड़ी नहीं आ रही, स्टीयरिंग भी खुद टर्न कर रहा है। यहाँ से हम इसकी स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि अभी 50 का जोन है, मैंने 57 कर दिया है, इसको मैं कम भी कर सकता हूँ और ज़्यादा भी कर सकता हूँ। अभी रोड आ रही है, स्टॉप साइन है, सामने से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, अभी ये यहाँ पे खड़ी हो गई है खुद, इसने देखा है कोई गाड़ी नहीं है, राइट और लेफ्ट से फिर गाड़ियाँ आ रही हैं, थोड़ा सा आगे जाके वो खुद रुक गई है। ये बड़ा कूल फीचर है, ये मुझे बड़ा पसंद आया। समटाइम्स आपका मूड नहीं है ड्राइव करने का, तो आप जो है वो इससे ड्राइव कर सकते हैं। ये कौन सी गाड़ी? लैम्बोर्गिनी। यस, नाइस कार। ये मैक्लेरन लगता है मुझे। मैक्लेरन है, अच्छा, लेकिन दोनों भी बहुत अच्छे कार हैं जी। सिग्नल भी उसने खुद कर लिया। हाँ, ये बसम, यू आर राइट, मैक्लेरन। ऑलवेज स्टॉप साइन का भी उसको पता है, इतना इंटेलिजेंट है कि गाड़ियां अगर तीन साइड से आ गई हैं फोर वे स्टॉप पे, तो ये अपने टाइम पे चलेगी। वेरी नाइस, कूल फीचर। स्क्वायर वन जाने से पहले बेटर हाफ ने ऑनलाइन एक टी पॉड है ये देखा था कि कोई सेल कर रहा है, और वहाँ पे उन्होंने पसंद किया था, तो उसको पिक करने हम आए थे। तो ये जो रिजवे प्लाज़ा है, जिसकी एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी, अभी वाइफ कह रही है कि पपियोना जो है वो होम डेकोर चलते हैं और वहाँ से कुछ पसंद करना है। यहाँ देखते हैं कि क्या चल रहा है। नाइस, अच्छा स्टोर है। सो फाइनली ये वाला जो सेट है वो पसंद आया। ये यहाँ पे फलस्तीनी दोस्त जो हैं वो खड़े होके फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, विच इज़ गुड। ये जो स्क्वायर वन है, ये भी जो टोरंटो के बिगेस्ट मॉल्स में से एक मॉल है, जो कि मिसिसागा में लोकेटेड है।
तो चलें अंदर चल के देखते हैं कि कैसे स्टोर है यहाँ पे, लोकेशन कैसी है। मॉल्स में जब आते हैं तो सबसे पहले ये एक कायोस्क लगे होते हैं जिससे हमें डायरेक्शंस पता लग जाती हैं कि हम कहाँ पे हैं या किसी स्टोर पे हमने जाना है तो वो कहाँ पे लोकेटेड है। ये पूरे मॉल का यहाँ पे नक्शा बनाया हुआ है, जैसे कि कोई भी हम जैसे सपोज ऑल्डो प्रेस करते हैं तो ये ऑल्डो जो है वो हमारे पास आ गया है और ये उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा कि ये किस लेवल पे है। बड़ा अच्छा फीचर होता है ये कि आप लॉस नहीं होते, क्योंकि मॉल तो बहुत बड़ा है, ये नहीं पता होता कि हमने जाना कहाँ पे है, तो इसको देख के तो बड़ी आसानी हो जाती है। स्क्वायर वन हमारा शॉपिंग के हवाले से जो GTA का बहुत बड़ा मॉल है, अगर आप यहाँ पे रहते हैं या विजिट करने आए हैं तो हाईली रिकमेंडेड आप लोग यहाँ पे ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पे बड़ी वैरायटी है, बहुत अच्छे अच्छे स्टोर्स यहाँ पे मौजूद हैं। खैर, हमने जो शॉपिंग करनी थी वो हमने कर ली है, तो अब हम लोग घर के लिए निकलते हैं, तो चले आए निकलते हैं। हम लोग घर पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपनी दुआ में याद रखें, अल्लाह निगहबान।